माइक खराब होने पर केंद्रीय मंत्री को आया गुस्सा। संत समागम के वॉलंटियर को अश्विनी चौबे ने धक्का दिया, डांटते हुए हाथ से छीना माइक। आपको बता दें, बक्सर में सनातन संस्कृति समागम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का गुस्सा देखने को मिला। मंच से अश्विनी चौबे बोल रहे थे, अचानक पोडियम में लगे माइक से आवाज आनी बंद हो गई। बस इतनी सी बात पर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसे लेकर मंच संचालक पर बिगड़ गए। मंच संचालक ने तुरंत उन्हें दूसरा माइक दिया, जिसे गुस्से में बीजेपी सांसद ने उनके हाथ से छीना और उन्हें धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, पोडियम में लगे माइक को उन्होंने गुस्से में पूरा मोड़ दिया। बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री के आपा खोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो शनिवार का है। यहाँ श्री राम कर्मभूमि न्यास के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अश्विनी चौबे गुस्से से शामिल हुए थे। दरअसल संतों की ओर से किए जा रहे प्रज्ञा प्रवाह का संचालन जीआर स्वामी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अश्विनी चौबे को बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया। इसके लिए जैसे ही वो पोडियम के पास पहुंचे, बोलना चाहा तो माइक से आवाज ही नहीं निकली। गुस्से में अश्विनी चौबे ने पोडियम में लगे माइक को पूरा मोड़ दिया। हर कार्यक्रम की शुरुआत से पहले होता है केंद्रीय राज्य मंत्री का संबोधन। बक्सर में सनातन संस्कृति समागम जैसे ही अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मंच संचालक के हाथ से माइक, कोई भी कार्यक्रम, कथा हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का 2 से 3 मिनट का मौजूद लोगों के लिए संबोधन भाषण जरूर होता है। वहीं दोपहर में प्रज्ञा प्रवाह के दौरान जब वो बोलने के लिए माइक के पास पहुंचे तो खराब माइक के कारण बिगड़ गए और उसका गुस्सा कथा की व्यवस्था बनाने वाले पर निकाल दिया। बक्सर अहिल्या के उद्धार स्थल अहिरौली में हो रहे सनातन संस्कृति समागम पर देश की निगाहें टिकी हुई है। 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 9 राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा 5 राज्य के राज्यपाल, 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री के अलावा 14 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आगमन होगा। वहीं 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन होगा। बस 2 मिनट में हमारे सांसद महोदय करेंगे, आगे कथा का कार्यक्रम चलेगी। तो 2 मिनट में अपने भावों को, बस 2 मिनट में बोलना तो हमेशा है, जब से सांस समाप्त है बोलना ही बोलना है, जब जब बोलने का मौका मिलेगा बस 2 मिनट। धीरज कुमार की रिपोर्ट।